दोस्तों, ये लेटर जो आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। आपको बताते हैं कि आप देख पा रहे हैं ईपीएफओ की तरफ से लेटर जारी किया गया है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीधे 22 तारीख को जारी किया गया है और ये सीधे प्रशासनिक तंत्र के जरिए जो है जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 KP मंडली जनरल सेक्रेटरी हैं ईपीएस पेंशन एसोसिएशन बेंगलुरु कर्नाटका सिद्धार्थ नगर, ये उनका पूरा डिटेल है। अब महत्वपूर्ण इसमें बात क्या है आपको बताते हैं कि रिक्वेस्ट टू इन्हेंस द मिनिमम पेंशन, रिक्वेस्ट किया गया है मिनिमम पेंशन को बढ़ाने के लिए। प्लीज़ रेफर द लेटर और डेटेड ऑन 18/11/2023 एड्रेस टू श्री प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर कोल एंड माइंस के, ये कोल एंड माइंस के मिनिस्टर हैं। इन्होंने नेम एक लेटर लिखा था 18/11/2023 को। विद रिगार्ड्स टू इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन, इट इज़ इन्फॉर्म दैट द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 इज अ सेल्फ फंडेड स्कीम विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.33% ऑफ वेगेज फॉर द एम्प्लॉयर एंड 1.16% वेगेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल बेनिफिट्स अंडर द स्कीम आर पेड आउट ऑफ सच अकोमोलेशंस। द फंड इज वैल्यूड एनुअली एंड एडिशनल रिलीफ आर पेड इफ द पोजिशन ऑफ द फंड सो परमिट्स। Since the year 2000 except 2015, the fund ran into the deficit and no additional reliefs could paid. Considering the actuarial deficit, it is not viable to give the minimum pension rupees 9000 from the pension fund. In this 9000 पेंशन फंड इन स्पाइट ऑफ दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन हैंड मिनिमम पेंशन 1000 पर मंथ बाय प्रोवाइडिंग द बजटरी सपोर्ट कीपिंग द स्प्रेड डिमांड ऑफ इनहेंस पेंशन इवन थ्रू देयर इज नो प्रोविजन इन द स्कीम ऑफ सच बजटरी सपोर्ट। तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने जो है बजटरी सपोर्ट दिया है और उसको 1000 किया है, लेकिन उसमें जबकि कोई स्कीम में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था कि गवर्नमेंट को बजट सपोर्ट देना है, ये सेल्फ फंडेड जो स्कीम था, ये बात इन्होंने साफ साफ लिखी हुई है। द डिमांड ऑफ लिंकिंग मंथली पेंशन ऑफ वर्कर्स अंडर द ईपीएस 95 विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वॉज कंसिडर्ड बाई द हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी एंड द सेम वॉज फाउंड नॉट फिजिबल इन द केस ऑफ फंडेड स्कीम लाइक द ईपीएस 95 EPS pension scheme 1995. Employee pension scheme 1995 has a contribution of employer and the government is at a fixed rate 8.33%, 1.6% respectively. Therefore, the value of benefits cannot be left open-ended by linking the inflation and inflation variables. Inflation is variable. Therefore, to ensure the sustainability and viability of a defined contribution and defined benefits scheme like EPS 1995, feasibility of providing such benefits is required to kept in the view. पॉइंट नंबर फोर, मैं ये आपको बता दूँ, मैं आप सभी को इस सब चीज़ों के बारे में जो है आपको एक समरी जो बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशली। There is no provision for providing a health facility of to the pensioners under the EPS 95. However, Ayushman Bharat scheme does not bury eligible EPS 95 pension from the availing health benefit. Under the Ayushman Bharat scheme, the government under the Ayushman Bharat scheme, the government provided the health benefits to all the economically weaker persons, including EPS 95 pensioners. Pensioners who are eligible as per the economic criteria specific in the scheme, the issue approval. अब महत्वपूर्ण बात इस पर डिस्कस करेंगे हम। आपको बता दें सबसे पहले आप यहाँ पर कंटेंट देखें कि रिक्वेस्ट है इनहेंस करने के लिए और ये सीधे रिक्वेस्ट किया गया है, ये जो है बेंगलुरु में ईपीएस 95 पेंशन एसोसिएशन का है को ये इनको भेजा गया है। और इसमें ये आपको बता दें कि ये जो है योर फिली है जो रीजनल पीएफ कमिश्नर हैं। अब ये आप देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर जाती है, रीजनल पीएफ कमिश्नर के जरिए ये जो है एक रिक्वेस्ट किया जाता है ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोसिएशन बेंगलोर कर्नाटका को। यहाँ पर देख सकते हैं कि केपी जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे रिक्वेस्ट किया गया है सीधे सीधे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कई चीज़ें आप समझिए, सबसे पहला मुद्दा यह है कि यहाँ पर जो ये मैटर ही पेशेंट फाइव का, अब ये जो है जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो संस्था जुड़े हुए लोग हैं, उन लोग को भी ये समझ में आया कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। चूँकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी थी, इसको अभी तक
अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। अब यहाँ पर आप समझिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि ये रिगार्ड्स जो मिनिमम पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया है, इस पैराग्राफ दो में अगर आप देखते हैं, इसमें जो स्कीम है उसके बारे में पूरी डिटेल बताएगी कि किस तरह 8.33% जो है वो एम्प्लॉयर का है, 1.16% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो स्कीम का है। उसके बाद इनको बेनिफिट्स के बारे में बात की गई कि मेडिकल मेडिकल का किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है, और इसमें जो है कोई भी गवर्नमेंट का किसी प्रकार से कोई सपोर्ट का मतलब प्रावधान नहीं रहा है कि कोई एडिशनल इसमें बजटरी सपोर्ट देंगे या किसी प्रकार से सपोर्ट देंगे। तो दिस इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ ACC। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आप फोर्थ नंबर देखते हैं कि अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द हेल्थ बेनिफिट टू ऑल इकोनॉमिकली वीकर इंक्लूडिंग EPS 75 पेंशनर पेंशनर्स हु आर एलिजिबल एज पर द इकोनॉमिक क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन दिस स्कीम। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है एक समझने वाली बात है कि अंडर द स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो लोग भी एलिजिबल है EPS 75 के पेंशनर्स भले हों, अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको यह चीज़ दिया जाएगा। मतलब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, चौथा पॉइंट अगर आप समझते हैं तो वो ये सभी पेंशनर्स जो हैं जो लोग एलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया के अंतर्गत, उन सभी को EPS 75 पेंशनर्स के अंतर्गत ये सुविधाएं मिली। मतलब आयुष्मान भारत के जो कार्ड होते हैं और जो सुविधाएं मिलती हैं जिससे उनको जाने के बाद कई 5 लाख के करीब का जो स्कीम ट्रीटमेंट होता है वो पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो सुविधाएं दी जाएंगी भले वो पेंशनर्स हों EPS 75 पेंशन के अंतर्गत, और उनका इसको इकोनॉमिक वीकर क्लास के अनुसार जो उनको बेनिफिट ये मिलने वाला। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये रीजनल PF कमिश्नर के जरिए जो है आदेश किया गया है। अब यहाँ पर